वेरी नाइस। सर क्या कह रहे थे? नहीं सही है, ठीक है मूवी। सबों का काम वगैरह कैसा? अच्छा है? लगा मुझे। लोग बोलते प्रोपेगेंडा है रियलिस्टिक। हाँ थोड़ा तो है प्रोपेगेंडा ही है। ओके। वैसा दिखाए जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाए, प्रोपेगेंडा ही है। अच्छी पिक्चर बनाया। क्या कहानी? कितनी कहानी इसमें? कुछ इस्लामिक बताया है और इस्लाम धर्म अपनाने से क्या होता है, कैसे क्या फ़ायदा है, क्या और हिंदू में क्या है, ये सारी बातें इसके बारे में ये कहानी बताया गया। कहानी माताओं ने बताया कि ये धर्म के बारे में नहीं पर एक कम्युनिटी के बारे में जो आतंकवाद फैलाते हैं। हाँ बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इसमें कुछ गलत भी दिखाया है, क्योंकि आतंकवादी लोग कैसे क्या जुल्म ढालते हैं किसी के ऊपर, ये सारी बातें भी इसमें बताया गया है, ये सब भी है इसके अंदर। थैंक्स। थैंक यू मैडम। कैसी थी? अच्छी थी फिल्म। लोग बोले प्रोपेगेंडा है, क्या लगता है आपको? सॉरी, प्रोपेगेंडा फिल्म है या रियलिस्टिक? रियलिस्टिक। ये केरला स्टोरी कैसी लगी? केरला फिल्म के, फिल्म की कहानी कैसी लगी आपको? और जो मैसेज देने की कोशिश की, क्या फिल्म मैसेज करता है? डेफिनेटली मैसेज तो यही करता है कि इट्स नॉट रिगार्डिंग टू हिंदू एंड मुस्लिम्स, बट यस इट्स ऑल रिगार्ड्स टू दी लाइक यू नो ISI रिलेटेड स्टफ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि धर्म के रिलेटेड है। द थिंग इज कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं हार्ड, लाइक ट्राइंग हार्ड टू गेट दोज थिंग्स, तो उसी के रिगार्डिंग है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक यू नो गेट बैंड, इट हैज़ टू रन। नहीं, इट्स प्रोपेगेंडा के रिलेटेड तो नहीं, लेकिन टू प्रोटेक्ट आर लाइक यू नो कंट्री एंड द रिलीजियंस, और जो एक्चुअल में हो रहा है इसीलिए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली फ्रॉम केरला एंड आई नो दिस एंड आई हैव सीन दोज पीपल लाइक यू नो हु आई हैव बीन लाइक यू नो स्टेइंग हैज व्हेन आई वाज इन लाइक एट माय चाइल्डहुड टाइम एंड आई जस्ट सॉ लाइक यू नो रिसेंटली आई वेंट 2 to 3 ईयर्स बैक एंड दे लाइक यू नो स्टार्टेड फॉलोइंग दिस सो इट्स एक्चुअली द थिंग्स हैपनिंग इन दिस लाइक यू नो we can say in their state and it has to get changed, but every girl or woman has to watch this and parents ko isliye dekhna chahiye taki they should understand they only things like you know ki log kya bolenge but it's not regards to that, they should help them out to come back. Agar unka support nahi hai to phir definitely jo Gitanjali ne kiya hai so they'll face those things and I'm proud Hindu so I do believe हमारे कल्चर में जो है टुगेदरनेस है टू लिव पीसफुली एंड लविंगली, बट वी डोंट टेल एनीवन टू गेट चेंज बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न लाइफ। आई थिंक पीपल स्टार्टेड लाइक यू नो फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, जो कि वो हो बट ऐसे नहीं कि हमारा कल्चर भूल के दूसरा कुछ यू नो स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट। सो आई ट्रूली बिलीव इन टू लाइक यू नो हिंदुइज्म and people should definitely like you know follow what are the culture they have and traditions. Amazing. You should respect that. Correct. But we should respect our like you know keeping in priority pehla hamara cheez. Correct. Like sab log yahi sochte hai ki like you know hamare bare mein pehle ki kisi aur ke bare mein koi pehla sochta nahi. Correct. So agar hum hamare sath acche se chalenge to hi jaake aage hamare jo rahenge piche ke generation wo follow karenge. Correct. सो अभी तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि डेफिनेटली यू शुड बी स्ट्रांग इनाफ टू फेस दोज थिंग एंड टू स्टैंड अप एंड सपोर्ट इफ दे सी एनीवन एल्स इनटू दिस प्रॉब्लम। व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ 5? इट्स ऑब्वियसली 10। आई वुड कम विद माय फैमिली एज वेल इन लाइक यू नो ऑन संडे टू लेट देम वॉच दिस मूवी। आई विल ब्रिंग माय कजिन सिस्टर्स एज वेल। आई डेफिनेटली वांट लाइक यू नो वुमेन्स और गर्ल्स to watch this, I truly motivate them because they don't understand. Correct. Brainwash karna bahut aasan hota hai, but if you are from a good family background and utna grown up acha kiya hoga, so definitely don't need anyone else. Yes, definitely, it's actually a trap. Thank you.